नमस्कार। राजस्थान के भूगोल की YouTube लेक्चर सीरीज में मैं आपको आज व आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में राजस्थान की मिट्टियों की जानकारी दूंगी। आज के लेक्चर में मैं आपको मिट्टी क्या होती है, व्हाट इज़ सॉइल, मिट्टी का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा संरचना व मृदा गठन क्या है, व्हाट इज़ सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर, तथा अंत में राजस्थान की मिट्टियों की प्राथमिक जानकारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। राजस्थान की मिट्टियों का विस्तार से अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। मृदा स्थल मंडल के सबसे ऊपरी आवरण में पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जिसमें चट्टान, चूर्ण, खनिज पदार्थ, जल, वायु, जीवांश, ह्यूमस, जीवाणु पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी, सॉइल इज़ द नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ वेदर्ड रॉक विच सप्लाइज मिनरल पार्टिकल्स टुगेदर विथ ह्यूमस द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। स्पष्ट है कि मिट्टी वनस्पतियों वेजिटेशंस की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जल वाटर वायु एयर आदि उपलब्ध कराती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं प्रोसेसेस द्वारा मृदा विभिन्न परतों के रूप में लेयर्स में विकसित होती है। प्रत्येक क्षैतिज परत हॉरिजॉन्टल लेयर के विशिष्ट भौतिक स्पेसिफिक फिजिकल रासायनिक केमिकल व जैविक बायोलॉजिकल गुण होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेयर की संरचना स्ट्रक्चर गठन टेक्सचर रंग कलर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अपने निकटवर्ती परत अर्थात ऊपर व नीचे स्थित परतों से भिन्न होती है। मृदा में विकसित इन्हीं क्षैतिज परतों हॉरिजॉन्टल लेयर्स को मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका मृदा की सबसे ऊपरी परत टॉप सॉइल से लेकर मूल चट्टान बेड रॉक तक विस्तृत होती है, जिन्हें ऊपर से नीचे की ओर इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ओ ए बी सी आर से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मृदा में पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल पाई जाए। कुछ मृदाओं में सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण विकास होता है तो कुछ में मृदा परिच्छेदिका अर्ध विकसित या अविकसित अवस्था में होती है, तथा कुछ मृदाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल का डेवलपमेंट नहीं होता है। मृदाओं का निर्माण मूल चट्टानों पेरेंट रॉक के विखंडन व विघटन फ्रैगमेंटेशन एंड डिसइंटीग्रेशन द्वारा लंबे समय में होता है। मृदा निर्माण
एक अनवरत प्रक्रिया है। यह जलवायवीय कारकों, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे तापमान, वर्षा, पवन, जैविक कारकों बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल, उच्चावच रिलीफ व समय टाइम पर निर्भर करती है। इन सभी कारकों के सम्मिलित क्रियात्मक प्रभाव से मृदा का निर्माण होता है। जलवायवीय कारक चट्टानों को विखंडित व विघटित कर डिसइंटीग्रेट कर टुकड़ों फ्रैगमेंट्स में विभक्त कर देते हैं। इन कारकों के लगातार सक्रिय रहने से बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में व छोटे टुकड़े बारीक कणों या चूर्ण पार्टिकल्स में परिवर्तित होते रहते हैं। इससे मृदा में खनिज तत्वों की प्राप्ति होती है। जलवायवीय कारकों की सक्रियता से सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगस की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मृदा में उपस्थित मृत जीव जंतुओं व वनस्पति डेड एनिमल एंड प्लांट अपशिष्ट पदार्थों एक्सक्रीटा को अपघटित डिकम्पोज कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा पोषक न्यूट्रिएंट रिच बनती है। पौधों की जड़ें तथा बिल बना के रहने वाले जीव बरोइंग एनिमल्स भी चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का कार्य कर मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। मृदा में रहने वाले अन्य जीव भी जैसे केंचुए अर्थवर्म सॉइल एयर को इम्प्रूव करते हैं। इसी प्रकार मृदा में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेटरी बैक्टीरियाज राइजोबियम एजेटोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल के अपक्षय वेदरिंग से उत्पन्न होने वाले कणों पार्टिकल्स का आकार मृदा के गठन व संरचना स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल को निर्धारित करेगा। निर्मित मृदा किस प्रकार की होगी यह मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अर्थात पेरेंट मटेरियल की भौतिक व रासायनिक प्रकृति फिजिकल एंड केमिकल नेचर पर मृदा की प्रकृति निर्भर करेगी। उच्चावच रिलीफ भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ढाल स्लोप बढ़ने पर मृदा की गहराई कम होती जाती है। इसी कारण मैदानी क्षेत्रों की मृदाएं पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाओं से अधिक गहरी होती हैं। मृदा निर्माण दीर्घकालीन व अनवरत प्रक्रिया है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मृदा समय के साथ विकसित होती है तथा इसकी संरचना स्ट्रक्चर गठन टेक्सचर व अन्य रासायनिक गुण जैसे कलर आदि निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों मिनरल्स जैविक पदार्थ ह्यूमस मृदा जल सॉइल वाटर एंड मृदा वायु सॉइल एयर के उपयुक्त संयोजन आइडियल कॉम्बिनेशन से अधिक उर्वरक फर्टाइल व गहरे मृदा परिच्छेदिका डीप सॉइल प्रोफाइल
का निर्माण होता है। मृदा संगठन, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा में उपस्थित कणों पार्टिकल्स की व्यवस्था, अरेंजमेंट अर्थात मृदा के कण एक दूसरे के संदर्भ में किस प्रकार व्यवस्थित हैं तथा मृदा में उपस्थित रंध्र अवकाश पोर स्पेस को व्यक्त करता है। मृदा संरचना, मृदा में जल तथा वायु की मात्रा, उनकी मूवमेंट गति, जैविक क्रिया बायोलॉजिकल एक्शन तथा वनस्पति वेजिटेशन की वृद्धि ग्रोथ को प्रभावित करता है। मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर, मृदा में उपस्थित विभिन्न आकार के कणों पार्टिकल्स की सापेक्षिक मात्रा रिलेटिव क्वांटिटी को बताता है। ये कण रेत, सैंड, गाद, सिल्ट, मृतिका या मटियार, क्ले होते हैं। मृतिका क्ले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। इस प्रकार ये मृदा में उपस्थित सबसे बारीक कण हैं। गाद सिल्ट के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर के बीच होता है। रेत सैंड के कणों का आकार 0.05 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। रेत सैंड फाइन बारीक से लेके मोटी कोर्स तक हो सकती है। 1 मिलीमीटर से बड़े कणों को ग्रेवल बजरी कहते हैं। ग्रेवल भी फाइन से लेके कोर्स मोटी तक हो सकती है। इनके अलावा मृदा में कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। मृदा में उपस्थित कणों के मध्य स्थान पाया जाता है जिसे रंध्र अवकाश पोर स्पेस कहते हैं। इन्हीं रंध्रों पोर्स के बीच मृदा जल, मृदा वायु तथा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मृदा कणों के मध्य स्थान पोर स्पेस मृदा में उपस्थित विभिन्न कणों की मात्रा अर्थात सैंड सिल्ट क्ले रेत गाद मृतिका के कणों की मात्रा के अनुपात पर निर्भर करता है। बारीक गठन फाइन टेक्सचर वाली मिट्टियों में गाद व मृतिका सिल्ट व क्ले की मात्रा अधिक होती है जबकि मोटे गठन कोर्स टेक्सचर वाली मिट्टियों में रेत सैंड के कणों की मात्रा अधिक होती है। मृदा गठन सॉइल टेक्सचर मृदा में जल तथा वायु की मात्रा को धारण होल्ड करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मृदा गठन सॉइल टेक्सचर के आधार पर मृदा को रेतीली सैंडी दोमट लोम दोमट बलवी लोमी सैंड रेतीली दोमट सैंडी लोम मटियार दोमट क्ले लोम आदि में विभक्त किया गया है। रेतीली मिट्टियों में जल को धारण करने की क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है और इनसे पानी आसानी से प्रवाहित परकोलेट हो जाता है। ये मिट्टियाँ दानेदार ग्रिटी होती हैं अर्थात इनमें रंध्र अवकाश पोर स्पेस अधिक होता है और इनमें सॉइल एयर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। मटियार क्ले सॉइल्स की
जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उच्च होती है, अतः इन मिट्टियाँ पानी को ग्रहण कर चिपचिपी स्टिकी हो जाती हैं तथा पानी सूखने पर इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मृदा का रंग मृदा में उपस्थित खनिज तत्वों व उनकी मात्रा तथा ह्यूमस की मात्रा से प्रभावित होता है। मृदा निर्माणकारी प्रक्रमों सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस मृदा परिच्छेदिका के विकास डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल का विस्तार से अध्ययन आप भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे। राजस्थान की मिट्टियों की उत्पत्ति एवं विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल्स भूतकाल में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज धरातलीय स्वरूप व उच्चावच टेरेन एंड रिलीफ भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्राकृतिक प्रक्रमों नेचुरल प्रोसेसेस द्वारा चट्टानों के अपक्षय अपरदन परिवहन निक्षेप वेदरिंग इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन द्वारा हुआ है। राज्य की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़ अलूवियल तथा वायुड एओलाइन और विंड ब्लोन हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क व उष्ण जलवायु के कारण रेतीली मिट्टियों का विस्तार है। यहाँ घग्गर व लूनी नदी बेसिन में जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, हालांकि इनमें बारीक रेत की मात्रा भी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में बनास नदी बेसिन तथा चंबल नदी बेसिन में जलोढ़ अलूवियल तथा दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती पठारी क्षेत्र में लावा निर्मित काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी राजस्थान के आद्र तथा उप आद्र क्षेत्रों में लाल काली मिट्टियाँ रेड एंड ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के ढालों स्लोप्स पर पहाड़ी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लवणीय तथा क्षारीय सिलाइन एंड सोडिक सॉइल्स पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों की विस्तार से चर्चा एवं अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।